गया तो मिल्क एनर्जेटिक हो गया, फिर उसके वेस्ट में वो एनर्जी गई तो गोबर में करंट आ गया, फिर यूरिन में करंट आ गया। तो जो गोबर में करंट आया वो गोबर हमने दरवाजे पर लीप दिया। इससे क्या फायदा हुआ? बाहर की गलत चीजों को ये करंट रोक के रखेगा, समझ रहा ना? ये कारण है उसका दरवाजे पे लीपने का। मतलब किसी भी तरह के बैक्टीरिया, किसी भी तरह की वायरल डिसीज या किसी भी तरह की कोई भी गलत एनर्जी, नेगेटिव पॉइंट हाँ नेगेटिव एनर्जी जिसे अपन कहते हैं, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। रेडिएशन ये इसका साइंटिफिक रीजन है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जिनकी शादी हो चुकी है गोबर के गणेश बना के हुई होगी, है ना? ठीक है कि नहीं? हाँ, तो गोबर के गणेश क्यों बनाए जाते हैं सोच के देखो जरा, क्या कारण था भाई? जो है ना, अभी तो मिट्टी के गणेश बना के और जो है ना बाजार में मिलते हैं, ठीक है कि नहीं? अगर मतलब हम पढ़ी लिखी भाषा में कहें तो बाजार में मिलते हैं, आप उनको लाके रख लो, है कि नहीं? या मूर्ति रख लो, पर गोबर के ताजे क्यों बनाए जाते हैं भाई? सोच के देखो जरा भाई, घर में जो आपके घर में गणेश जी हैं ऑलरेडी, या तस्वीर में है या मूर्ति में है, आप उठा के उनको रख लो और कर लो पूजा, गणेश जी की तो पूजा करनी है ना। लेकिन गोबर के इसलिए बनाए जाते हैं, गणेश जी अनेश जी से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना? ये तो एक मान्यता है जो आपके एक बहुत बड़े साइंस से जोड़ दी गई है। देखो भगवान हर एक कण में है, मूर्ति में मान लो सो मूर्ति में है, और जिस दिन इस पत्थर में मान लो सो उस पत्थर में है, सो पत्थर मूर्ति बन गई, पत्थर पूजने लगता है। तो वो तो मान्यता के ऊपर है, आपका मन जिसमें भगवान मान लो, भगवान तो हर कण में है, ठीक है? इस सृष्टि के पूरे निर्माण में पांच तत्वों का जो मूल है वो भगवान शिव है या ईश्वर है, और ये जो पांच तत्व हैं, पांच तत्व के बाद कुछ बचते ही नहीं है। आप बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक धरती तत्व है, तो ये धरती नाप लो कहीं खत्म हो रही क्या? कहीं खत्म नहीं हो रही, मतलब जहां खत्म होगी तो लास्ट में जाके जहां वहीं पे आ जाओगे जहां से शुरू हुई आपकी। मतलब आप फीता लेके नापने बैठ जाओ, इसका पूरा रेडियस पूरी पृथ्वी को गोल करके नाप दो, तो ये कहीं खत्म होने वाली नहीं है, वापस आप कहां आ जाओगे? जहां शुरू हुई, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा तत्व अग्नि, ठीक है? सूरज को आप देख लो, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि वो फैलाता है। तीसरी हवा, पूरे ब्रह्मांड में है, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर हवा ना हो? हर जगह है कि नहीं है? हर जगह है पूरे ब्रह्मांड में। तीसरी चौथी चीज को लेकर चले जाओ, चौथी चीज क्या है? जल, जल पूरी पृथ्वी पर है, ठीक है? और उसके बाद अब क्या स्पेस बचता है? अब स्पेस ये बच रहा आपका, है ना? होल पूरा ब्रह्मांड है ना, आकाश। तो उसमें क्या है, बचे ही क्या? आप कुछ भी नहीं बचा, कोई भी एक स्पेस ऐसा बचा जहां पे इन पांच तत्वों का स्वरूप ना हो? भाई धरती पे धरती है, पानी पानी की जगह पे पानी है, अग्नि की जगह पे अग्नि है, वायु पूर बाकी की बचे बची वायु, और बाकी के जगह में बचा आकाश, तो बाकी जगह में पूरा वो हो गया। लो साहब, अब क्या एक कण भी जगह बची कहीं? नहीं बची। तो इसका मतलब है हर कण में ईश्वर है, समझ रहे ना? क्योंकि ये पांच तत्वों से मिलकर ही प्रकृति का निर्माण हुआ, और ये पांच तत्व जो है ना कहीं पर भी ब्लैंक नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने ग्लास में पानी भरा, तो जब आपने पूरा ग्लास भर दिया तो अब कोई स्पेस नहीं बचा, और आपने आधा ग्लास बचा भरा तो ऊपर से स्पेस बचा है। तो ये पांच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, समझ रहे ना? कहीं पर भी एक ऐसा इतना सा भी स्पेस नहीं है जहां पर ये कहा जाए कि इन पांच में से, इस स्पेस में ये पांच में से कोई तत्व नहीं है। है क्या, बताओ आप? नहीं है, पॉसिबल कहीं पॉसिबल नहीं है। आप धरती पे पैर रख लो, चाहे हवा में पैर रख लो, चाहे कहीं पे भी पैर रख लो, कहीं ना कहीं इन पांच में से कोई एक तत्व को आप पालोगे, बराबर ना? तो इसका मतलब यह है कि जिस भी कण पर आप हाथ रखते हो वो सारे कण में ईश्वर है, प्रकृति है, ये है मतलब। तो इसका मतलब यह है कि हर कण में भगवान है,
अब बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मूर्ति पे हाथ रख दोस्तों, मूर्ति में भगवान है, इस पे हाथ रख दोस्तों, इसमें